समोसे की आवाज़ आई, भैया समोसे लेके आए। तो समोसे लेने आ गई, समोसे देखिए 10 रुपए के 4, 20 रुपए के 8, इतने छोटे छोटे समोसे हैं। ये देखिए चलते ही फिरती दुकान। तो अब समोसे मास्क हटाइए। ठीक गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग वीडियो। हाँ, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग बाजपी फैमिली ब्लॉग के। हाँ, तो ये देखिए अपनी के लिए कुछ इधर कर रहे हैं। तो आज कौन आया घर पे? आज घर पे कौन आया? पापा। पापा जी कौन आया? पापा जी इधर आइए। हाँ, तो अब देखिए अभी सही आ रहा है वो, उन्होंने बढ़ते बढ़ते बंद कर दिया। अच्छा कह रहा वैसे पीछे। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आज आपने जैसा देखा कि माजी सर्जरी हुई थी, ट्रीटमेंट हुआ था उनका। हाँ, पापा ने इसको कह दिया, इसको कितने याद रहता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं बताइए, खुद ही बोलिए ब्लॉग में। आप बोलिए जा रहा हूँ सामान लेने। अरे नहीं सर जी, बताइए सबको। माजी को देखने जा रहे हैं। हाँ, माजी की सर्जरी हुई जाती है तो माजी को देखने जा रहे हैं। हम लोग देख के आते हैं, फटाफट पैकिंग कर लिए और हम लोग जाने वाले हैं। कब जाएंगे ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। चलिए फटाफट बिना देरी के निकलते हैं। लव यू। भैया रियल का जूस होगा और उसका नहीं आता क्या? वेजिटेबल वगैरह का जूस, चुकंदर वगैरह का जूस आता है? दिखा दीजिए किधर है। ये है एक एप्पल का दे दीजिए। रियल वाले तो जूस नहीं बनाते हैं, रियल वालों तक ये बात पहुंचाइए कि वेजिटेबल का भी जूस बनाया करें, क्योंकि फ्रूट का तो बना देते हैं बट वेजिटेबल जूस नहीं है। भैया नुकसान तो नहीं करेगा? थोड़ा कोल्ड वोल्ड का लगता है इसमें, अमरूद वगैरह होता है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो जल्दी सूट नहीं करता माजी को। 2 रुपए का ही अंतर है, 118 का मिक्स फ्रूट है और ये एप्पल का 120, वो भी बराबर ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या भैया सस्ता है ना आपका, ये क्या नाम है, फेयर प्राइस, जो सस्ता मार्केट आ गया। तो यहाँ फेयर प्राइस पड़ता है केशवपुरम में, जो लोग यहाँ रहते हैं वो जानते होंगे। ये प्रेमा पैलेस के पास ही पड़ता है, पहले प्रेमा पैलेस था ना, स्टेट बैंक भी है। तो अभी मैं लेने आई जूस, मिक्स फ्रूट ही ले लो, मतलब ये हेल्दी जो होता है वो चीज़ दीजिएगा, पैसे की बात नहीं। मिक्स फ्रूट ले लो। तो भैया कह रहे हैं मिक्स फ्रूट ले लो, ये हेल्दी होता है क्योंकि मतलब जो फ़ायदा करे ज़्यादा, तो ये मिक्स फ्रूट वाला ले लेती हूँ। भैया रियल वाले प्लीज़ वेजिटेबल जूस भी बनाइए, एटलीस्ट लौकी का जूस तो बनाइए। पतंजलि वगैरह तो बनाती है लौकी का जूस, है आपके पास लौकी का कोई? पतंजलि शायद बनाता है ना। हाँ वो बना के देते हैं, लेकिन लौकी वैसे हम लोग रियल खा सकते हैं खुद ही उसको, मतलब सीधा ओरिजिनल फॉर्म में, बट ना टुकड़ा तो खाना वाना। चलिए ये जूस ले लिया, आप ले लेते हैं। निखिल जी बाहर वेट कर रहे हैं, फिर माँ जी के पास जूस लेके चल रहे हैं। तो अभी मैंने ले लिया सामान, ये ले लिया जूस और लिया है टूथब्रश, क्योंकि टूथब्रश होते हैं ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 3 महीने यूज़ करना चाहिए हमारा, उससे पहले ही ख़राब हो जाता है। ये रहे निखिल जी, लेकिन मैंने स्टॉल लगा के रखा हुआ है। जूस लेके बस घर पास में ही माँ जी का, और जूस लेके अब चलते हैं घर। अरे यार कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं ऑफिस में, बात कर रहे हैं फाइनल घर। मेरा निखिल जी, अब माँ जी ने शायद गेट बंद कर रखा है। माँ जी, माँ जी चिल्लाओ, जो लोग बोलो उनको बोलना मना है, खोल ही नहीं रहे। देखिए खड़े, देख लीजिए आप कितने महान है, गेट खुला है फिर भी खड़े हैं, माँ जी को आवाज़ लगा रहे हैं जबकि माँ जी को बोलना मना है। अब ऊपर चलते हैं, माजी कहेंगे लोग अचानक सरप्राइज देने आ गए। समोसे की आवाज़ आई, भैया समोसे लेके आए। तो समोसे लेने आ गए, समोसे देखिए 10 रुपए के 4, 20 रुपए के 8, इतने छोटे छोटे समोसे हैं। ये देखिए चलते ही फिरती दुकान। तो अब समोसे लेके ऊपर चलते हैं खाने के लिए। निखिल जी को भी खिलाऊंगी, माजी को तो दांत में प्रॉब्लम। लीजिए खाइए आपके लिए समोसे। थैंक यू बोलिए, शुक्रिया धन्यवाद, ये बाबू का डायलॉग है। वो अभी समोसे तो खा लिए हम लोगों ने। ये रहा निखिल जी, कितने समोसे खाए हैं आपने? उठ के बैठिए, कितने समोसे खाए? 5 खाए। इतने तो मिले भी नहीं थे, तो इनमें 2-3 समोसे खाए, 2-3 मैंने। ये रही माँ जी, माँ जी जल्दी से ठीक हो जाए, फिर माँ जी ब्लॉग में बोलेंगी आके। और ठीक हो गई पहले से, लेकिन माँ की टेंशन नहीं रहनी है, मस्त है यही कहना। ये देखिए तीनों लोग आ गए, आप इधर हो, ये तब आए, अभी आ गए, लेट गए। तो अब चलिए 2 बज गया, माँ जी को देखने देख लिया, देखने कमाए थे, अपना खाते पीते रहते हैं हम,
वो तो बैठे रहते, श्रद्धा की बातें चल रही है। अभी जो केस हो गया है दिल्ली में, उस केस के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं है। तो इंसाफ मिलना चाहिए भाई लड़की को, उसने सिर्फ शादी की बात कही थी, सही बोल रहे हैं कि नहीं बताइए? मतलब उसने शादी की बात कही, शादी की बात पे उसे मार दिया गया। आप बताइए शादी की बात पे कौन किसको मारता? लिव इन रहने की बात शादी करने की, भाई अरेंज मैरिज किए हम तो खुश हैं, हमारे छत्ते टुकड़े नहीं होंगे। फिर कह रहे तुम्हारा नाम श्रद्धा, मम्मी कह रही दिखाना, मम्मी तुरंत को डांटी। तो हम लोग तो अरेंज मैरिज किए भाई, सुखी है। ये लिव इन वाला मेरे को समझ नहीं आता, मैं पुरानी सोच रखती हूँ, आराम से शादी कर लो फिर साथ में रहो, शादी की पहले रहने की क्या जरूरत है, है ना? तो जो हुआ बुरा हुआ, बाकी इंसाफ मिल जाए। तो अब चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, निकल जी का मोबाइल ठीक करना, मोबाइल ठीक करा के फिर घर चलेंगे। जी निकल चुके हैं और घर से निकल के हम आ चुके हैं, चार्जिंग पिन निकल जी की चेंज कराने आए थे। तो ये क्या भाई हंगर बॉक्स, ये क्या पिज्जा है जाके यार, बड़ी शांति है इसके अंदर। अच्छा ये देखिए पिज्जा का शॉप है, मतलब इतना शांति केबिन है, जैसे लग रहा है कोई अंदर शेयर मार्केट का ऑफिस है, इतनी शांति हो रखी है। इनको देखिए कितनी हंसी आ रही। तो हम चार्जिंग पिन ठीक कराने आए थे निखिल जी का, मतलब फ़ोन में चार्जिंग दिक्कत कर रही है कुछ, तो काफ़ी टाइम से बनना था, बट हमने कानपुर में ही आके बनवाया, जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं बनवाया। देखिए दो दो हेलमेट लेके चल रहे हैं, डुअल हेलमेट सेफ्टी के साथ। तो अब चार्जिंग पिन बन जाए, चार्जिंग पिन चेंज करा के फिर चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं, कुछ खाने चल के, कुछ खाने चले? अरे बोलिए जनता आपको देख रही देगी, आपके जीजा जी कितने कंजूस हैं, क्या खिलाएंगे? चाय मोमोज की इच्छा या फिर चाय की इच्छा, जो आप मेरे पर दया कर दें, क्या खिलाएंगे? खाए यार सब पति सबको मिले करें, दोनों खिला देंगे। तो चलिए अब यहाँ निकलते कुछ खाने के लिए। आ चुके हैं मोमोज खाने के लिए, हमारे पति बने खाते हैं काका देव के फेमस मोमोज खाने के लिए। तो मोमोज खा लेती हूँ पहले, बाल देखो कैसे हो गए, डबल हेलमेट लगाने से, मतलब हेलमेट लगाने से, और फिर पीऊँगी चाय। कुल्लर की चाय पी लो, बहुत दिन से नहीं पी मैंने, जब ये आते हैं तभी भी पाती हूँ कुल्लर की चाय, मतलब अकेले क्या पी नहीं सकती, पी नहीं पाती, इच्छा नहीं होती। तो मोमोज खा देते हैं, हाँ भाई मोमोज देखिए, हम मोमोज खाते हैं ठीक है, आपको नहीं खाने खाएंगे शरीफ क्यों बोलिए, हाँ खाऊँगा। लोगों ने मोमोज खा लिए, कुछ अच्छे नहीं लगे, कुछ जो खाया छाया दो चार लिए तो उसमें खाए। अभी हमें राहुल स्वीट हाउस पे, काका फेमस राहुल स्वीट हाउस, पैकिंग देखिए कितनी खास है, बताइए किसके लिए, गैस आप बताइए क्या है, बाहू के लिए समोसा पैक हुआ है, उनका फेवरेट है समोसा। अभी गोलगप्पे खाएंगे, बोर्ड लगा हुआ है 20 के 5, मतलब है क्या बता दिया, इससे अच्छा वो खा लो गोविंद नगर में, चलो गोविंद नगर कहाँ चलते हैं, चलिए मैं आपको खिलाती हूँ, रहने दो। 10 रुपये के 4 बताशे देता है, इतने बड़े बड़े, वो जो ऊपर नहीं लगा था जैसे गुमटी में, वैसे वो खिलाने चलते हैं। खरीदारी करते करते बच गए शाम का 4:30, पहुँचने वाले तो 2 बजे घर, शाम का 4:30 हो गया, अब पता नहीं कब पहुँचेंगे, अभी तो रेड लाइट है यहाँ पे, तो रोक रखा है अंकल जी ने, हमारे चाचा जी ने रोक रखा है, गोल्दी ग्रीन रेड लाइट से ग्रीन कर दिया अंकल जी। अब हम यहाँ से चल रहे हैं सीधा घर, अब कहीं रुकना नहीं है। हाँ एक दूध लेना है, मम्मी ने बोला है दूध घर पे आता है, बट एक पैकेट लेना है क्योंकि चाय कॉफ़ी बनानी है, थोड़ी ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं सर्दियों में, तो वो पियेंगे और घर चलेंगे। और ये देखिए महाराज ने कुछ लिया है, अपने ले लिया है, मेरे लिए नहीं, कह रहे मैं रखूँगा, मैंने कहा ठीक है। सब लोग हंस रहे होंगे कि हाँ हाँ झूठ बोल लो, हाँ ठीक है भैया ने लिया है मेरे लिए। पतिदेव और मैं आ चुकी हूँ घर, अब चलते हैं श्रेष्ठ के लिए ये सामान ले। लोग आ चुके हैं घर, मैं अपने बाल सही कर रही हूँ, अपने भी सही कर रही हूँ, स्टाइल देख लीजिए, ये रहे इनको देखिए मिस्टर हैंडसम, कौन है ये, कौन है ये, हाँ। तो हम लोग आ चुके हैं अभी घर, और अब हम लोग चेंज कर लेते हैं कपड़े, फिर करेंगे रेस्ट, पियेंगे चाय। शाम पहले हुई थी हमारे आने में, ओके। तो देखिए मैं इसके लिए लाई थी ब्लैक फॉरेस्ट केक, इसको नहीं पसंद, इसको वेनिला पसंद है। अब मैं भून सी लाई हूँ इसके लिए, क्या लाई है मैं आपके लिए, ये डोनट्स है, पापड़ है, क्या है ये, पापड़, ये पापड़ है, ये बाबू और पापा का, और ये मेरा, तब मैं पापड़ खा लेती हूँ, और ये रही मेरी चाय, पापड़ और चाय खा लेते हैं, पापड़ खा लेती चाय पी लेती, और हमारे पति देव उधर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फुल लाइट की वो जगह हुए। पापड़ को डोनट नहीं कहते, पापड़
भैया इसको डोनट खिला दीजिए, इसको डोनट खाने का बहुत मन करता है, तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो हे गाइस, अभी रात का बज रहा है 8:30 और हम बहुत थक चुके हैं बिकॉज ऑफ पैकिंग। हमारा जो भी काम पेंडिंग था हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये रहे निखिल जी, पूरा हेल्प कर रहे हैं, भैया जरा पूरी हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोग मिल के सब पैकिंग करने जा रहे हैं, अभी हम करने जा रहे हैं डिनर। तो आज मम्मी ने बनाई बहुत यम्मी सी सब्जी हमारे लिए, ये देखिए, ठीक है, और रोटी, क्योंकि रोटी मुझे पसंद है, पूड़ी मुझे पसंद नहीं, कभी पूड़ी खानी है तो इसलिए फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं रोटी बना दे रही हूँ। भैया चलो ब्लॉग को एंड करो। तो आज के ब्लॉग को सब लोग बोलिए साथ, आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं। वो नहीं बोलेंगे भाई, मेरा बेटा मेरे से बड़ा ब्लॉगर है, पापा उनके, मेरे चैनल का वारिस मेरा श्रेष्ठ वाजपेयी ही है। तो आज के ब्लॉग को ये एंड करते हैं बाबू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ये नहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के अगले ब्लॉग आपके लिए धमाकेदार होगा, तो वेट कीजिए, अगले ब्लॉग आपका एकदम मतलब हमारा बहुत मस्त होने वाला, तो वेट करिए अगले ब्लॉग का। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।